मम्मा ये बात है, ऐसे क्या करूं मैं इसके मामले में। मतलब वो एक एक चीज बताता है और बहुत ज्यादा मेरे से अटैच है, बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे को। आप बाहर की बातें लेके आ रहे हो अंदर, हम स्टेज पे ही, आपने देखा कि स्टेज पे ही स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो अगर एक लड़के की इज्जत खराब हो रही है, तो मेरा ये था कि आप काम पे ध्यान दो, लड़की वड़की का चक्कर छोड़ो। और क्योंकि अच्छा नहीं जा रहा था, तो कौन माँ होगी कि अपने बच्चे को दुखी देखेगी। लेकिन हाँ, उसको जैसे रात को नींद ना आना, है ना, थोड़ा रिएक्ट कर देता था वो जब सोचता था, तो आपको पता है वो सच्चे प्यार में था। वो हर दिन जो प्यार करेगा, उस उनकी पिक्चर आई थी तो बचपन में हम उसको लेके गए थे दिखाने के लिए। हाँ, अरे मम्मा सलमान खान कितना बड़ा दिख रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। टुडे आई हैव अभिषेक्स मॉम विद मी, संध्या जी। हेलो, वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड, सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू। मुझे तो शुरुआत इस बात से करनी थी, अभिषेक इतना इमोशनल है एज अ लड़का, जब आप घर में आए होंगे उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा, मैंने देखा नहीं है अभी तक, बट आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुआ होगा। आप बताएंगे क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कब से मैं वेट कर रही थी इस मोमेंट का, और बहुत ज़ोर से उसने हग किया, और मतलब 10 मिनट तक रोता रहा वो। और मैं तो 2 दिन से ही रो रही थी कि कब मिलूँगी कब मिलूँगी, यहाँ भी आके इतना वेट करवाया। जी 12 बजे की आई हुई, 4 बजे मिली हूँ उसको, तो मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था बहुत ज़्यादा। देखो, उसके घर के बाहर भी आप और आपका और अभिषेक का रिश्ता, क्या आप दोनों, लाइक आई एम श्योर एक जैसे बेटे और माँ का रिश्ता बहुत ही खास होता है, क्या अभिषेक आपको आके सब बताते हैं? क्या आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है नहीं, बेटे को माँ के बिना नहीं होगा, वैसा रिश्ता है? हाँ, बिल्कुल। वो इतनी छोटी सी बात भी होगी तो वो मेरे से आके बताएगा, वो मैं ऐसे सलाह भी लेता है तो, मम्मा ये बात है, ऐसे क्या करूँ मैं इसके मामले में। मतलब वो एक एक चीज़ बताता है, और बहुत ज़्यादा मेरे से अटैच है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे को। जब अभिषेक ने उडारिया साइन की थी और उसने फिल्मिंग शुरू की थी, आई एम श्योर आपको ईशा के बारे में पता था, उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था? नहीं, वो रिलेशनशिप तो उडारिंग के बाद हुआ है ना। उडारिया के बाद हुआ? हाँ, उडारिंग पहले से एक दूसरे को थोड़ी जानते थे। हाँ, नहीं, आपको पता था कि ईशा उसके लाइफ में है और वो ईशा से इतना प्यार करता है? बाद में पता चला था उडारिंग के साथ, तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था। जी, जिससे हम देखते हैं अभिषेक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, स्पेशली ईशा को लेके, घर के अंदर, और वो कहता रहा कि घर के बाहर भी उसको ईशा की तरफ बहुत ही ज़्यादा इमोशंस थे, वो बहुत ही चीज़ों से गुजरा है। क्या आपको पता थी कि जब उनका ब्रेकअप हो रहा था या चीज़ें अच्छी नहीं थी उन दोनों के बीच के बारे में, अभिषेक को मेंटली भी वो चीज़ अफेक्ट हो रही थी? क्या आपको उस बारे में पता था, दैट यू नो ही नीडेड प्रोफेशनल हेल्प? मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसे ही उसके पापा भी हैं, सेम डिट्टो दोनों, बहुत ज़्यादा। वो छोटी छोटी बात पे, किसी जानवर को भी चोट लग जाती है ना, तो उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ तो उसने प्यार किया था, वो तो फिर एक एक चीज बताता है मेरे को, सब बातें मेरे को पता थी उसके बारे में। बात हाँ, सब पता था। पर ईशा ने जैसे घर के अंदर अभिषेक पे काफी आरोप लगाए, ये ऐसा करता था, उसने मुझ पे हाथ भी उठाया था। जब आप एज अ मदर वो चीजें सुनते हो, और क्या आपको लगता है कि वो चीजें हुई थी घर के बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई थी। तो ईशा कहीं ना कहीं जो, हाँ, एक तो बात ये है कि आप बिग बॉस में आ रहे हो, तो बिग बॉस के अंदर के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसके ऊपर, उस टॉपिक पे आप बात करो। बिग बॉस ने सीधे सीधे बोला है कि आप बाहर की बातें नहीं लेके आ सकते, आप बाहर की बातें लेके आ रहे हो अंदर। हम स्टेज पे ही, आपने देखा कि स्टेज पे ही स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो अगर एक लड़के की इज्जत खराब हो रही है, तो साथ में आपकी भी तो हो रही है ना, जी है ना जी तो वो गलत है। उनको अंदर ये बात लेके नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल। और जो गलत बोल रही हैं, अगर 10 बात गलत बोलती हैं, तो एक बात तो उनको सुनने को मिलेगी ही ना, कितना कोई बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, वो भी तो इंसान ही है भाई, कितना बर्दाश्त करेगा? आप 10 बातें बोल रहे हो,
तो चार बातें मैं भी तो बोलूँगी ना जी। हाँ जी, पर जैसे अभिषेक ने भी कहा था कि मेरी मम्मी बोलती थी कि हाँ से दूर रह, हाँ मैं मम्मी से झगड़ता था कि हाँ और मैं दूर नहीं रह, हाँ मैं किस बात पे आपने अभिषेक ने स्टार्टिंग से ही बोलती थी कि देख बेटा मेरे को ये था कि मतलब वो इस सब चीज़ों में ना पड़े, है ना। मैं सोचती थी क्योंकि देखो हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हम ये फिल्म इंडस्ट्री से या इस चीज़ से हम नहीं लिंक रखते, हमें तो ये मतलब अलग दुनिया लगती थी। तो मैं इसलिए उसको बोलती थी कि तू अपने एम पे फोकस कर, इन सब चीज़ों में प्यार में ये सब चीज़ों में मत पड़, तू अपने काम पे ध्यान दे। हाँ, लॉकडाउन में कितने लोग बेले थे जी, है ना जी, सब लोग घर पे बैठे थे और आपको काम मिल रहा है तो उस काम की इज्जत करनी चाहिए ना जी। हाँ, तो मेरा ये था कि आप काम पे ध्यान दो, लड़की वड़की का चक्कर छोड़ो। और क्योंकि अच्छा नहीं जा रहा था तो कौन माँ होगी कि अपने बच्चे को दुखी देखेंगी, बिल्कुल तो वहाँ तो मैं रोकूंगी ही ना जी। हाँ, तो ये बात थी। क्या आपको लगता है कि ये जो हुआ है अभिषेक और ईशा के हाँ 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 कहीं ना कहीं वो उसके करियर पे उसके हेल्थ पे वो उल्टा पड़ा है जी, बहुत पड़ा है हेल्थ पे, बहुत पड़ा है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल से उसको निकाला है उस चीज़ से। हमने अपने उस दौर में देखा था और घर पे था वो, मैं मतलब जब घर पे आता है तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता वो, सिर्फ यही। अब देखोगे बिग बॉस के अंदर भी एक दिन पूरा थी मैं तो वो मेरी गोदी में ही था, वो अपना सर यहाँ रखेगा, मेरे को काम भी नहीं करने देता, आप कुछ मत करो बस मेरे पास बैठो, तो वो ऐसा है। तो वो कई जैसे दोस्तों के पास घुलना मिलना ये सब नहीं है, उसको भी उसकी माँ चाहिए उसके पास। उसका सब उस दौरान जब वो कुछ चीज़ से गुजर रहा था क्या उसका बात करना बंद हो गया था, क्या हो गया था उसे? नहीं, बात करना नहीं बंद हुआ था, बात करता था, खुल के बात करता था, लेकिन हाँ उसको जैसे रात को नींद ना आना, है ना, थोड़ा रिएक्ट कर देता था वो जब सोचता था तो। आपको पता है वो सच्चे प्यार में था, बिल्कुल वो दिखता है। हाँ वो तो सच्चे प्यार में था तो रातों को उठ के बैठ जाता था, उसको नींद नहीं आती थी, वहाँ मेरे को नींद नहीं आ रही, वहाँ मेरे को नींद नहीं आ रही। फिर हमने डॉक्टर से काउंसलिंग करवानी पड़ी हमें, पहले तो मतलब फोबिया के लिए तो मतलब हमने काउंसलिंग करवाई थी कि चलो फ्लाइट में बैठ सके, तो फिर हमने डॉक्टर से इस बारे में भी सलाह ली और फिर वह हेल्प हुआ। हाँ वो बहुत हेल्प हुआ, उन्होंने मेडिटेशन करवाना स्टार्ट किया, उन्होंने अच्छी काउंसलिंग करी तो वो ठीक हो गया। ठीक है बिल्कुल, देख आप देख रहे हो कितना स्ट्रांग है वो। हाँ जैसे अभिषेक सब कहते हैं कि उसका दिल साफ है, हाँ, और उसका गुस्सा वो छोटा जैसे बच्चा होता है ना वो चीज़ है वो। हाँ, अब देखो गुस्सा तो ये है कि अब उस घर में देख रहे हो कि आप वो अकेला पड़ जाता है ना, आप एक इंसान पे 10 लोग चढ़ रहे हो तो वो किस हद तक चुप रहेगा, है ना, तो कोई भी होगा तो रिएक्ट कर ही देगा जी। वो नेचुरल है, पर एज अ मॉम आप उनको बोलते थे कि गुस्सा थोड़ा कम करो, कम कर। मेरी माँ भी कभी कभी इतना रिएक्ट इतना जैसे, तो क्या ये गुस्सा बाहर की जिंदगी में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है अभिषेक के लिए? नहीं, बाहर की दुनिया में हाँ नहीं, वो अपने काम के लिए बहुत प्रोसेसिव है, वो अपने काम पे नहीं कभी गुस्सा करेगा। हाँ वो सबसे अच्छे से घुलता है मिलता है, अच्छे से बात करता है, लेकिन जहाँ गलत है तो वो फिर पॉइंट उठाएगा भी आप गलत हो, चाहे कोई उसकी माँ ही क्यों ना हो, वो बोलेगा कि मम्मी आप गलत हो, गलत। हाँ तो उस इस चीज़ पे उसको गुस्सा आता है कि आप गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, वो झूठ से उसको सख्त नफरत है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो इधर की बात उधर नहीं करता, ऐसी चीज़ें नहीं करता। नहीं, एज अ बॉयफ्रेंड भी वो काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव ना। आपने ये कभी डिस्कस किया था उससे कि इतना पोजेसिव रहना शायद सही नहीं है, या क्या हुआ था उन दोनों के बीच कि अभिषेक इतना पोजेसिव हो जाता था ईशा? हम तो देखिए हर 24 घंटे तो मैं उसके साथ में रहती है ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना जी। तो अगर बंदा प्यार में है यार, हाँ। मेरे हस्बैंड ही हैं वो, अगर मेरे को देखेंगे किसी और के साथ तो बुरा तो लगेगा ही ना जी। तो वही चीज़ें छोटी मोटी हो जाती हैं बच्चों में, और हर रिलेशनशिप में छोटा मोटे झगड़े होते ही हैं, तो ये तो नेचुरल है ना। तो मैं उसको बात को वो नहीं करूँगी, पर मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मतलब वो रिलेशनशिप में हो या कुछ हो, बस मैं ये था अभी छोटा था, ज़्यादा
उम्र नहीं थी, है ना, 23-24 साल क्या उम्र होती है, तो मैं चाहती थी कि वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करे, काम पे, हाँ काम पे फोकस करे। और क्या अभिषेक की यही हैबिट है कि वो शर्ट निकाल रखा है? हाँ हाँ, उसको बहुत शौक है, वो ना सलमान सर का एक तो फैन है बचपन से, हाँ छोटा सा था 2.5 साल का, उसको सलमान बोलना भी नहीं आता था, हाँ वो तब से फैन है। अच्छा। हाँ, वो हर दिल जो प्यार करेगा उनकी पिक्चर आई थी, तो बचपन में हम उसको लेके गए थे दिखाने के लिए। हाँ अरे मम्मा सलमान खान कितना बड़ा दिख रहा है, अब हम रोज आया करेंगे यहाँ देखने के लिए जी। तो मेरा भाई था छोटा, हाँ तो बोलता पंजाबी में, सलिया यहाँ आने के पैसे लगते हैं, फ्री में थोड़ी आते हैं। वो देखने का छोटे बच्चे को क्या पता है कि भाई पैसे लगते हैं क्या लगते हैं, वो 2.5 साल का था सिर्फ। हाँ हाँ, चुमान खान बोलता था, तब से हम उसको सलमान खान ही बोलते थे। अच्छा, तब से सलमान खान, तब से ये उसको ये थोड़ी पता था कि हीरो बनते हैं क्या बनते हैं मॉडल करते हैं ना, उसको सीधा मैंने सलमान खान बनना है मम्मा, हाँ। मैंने सलमान खान बनना, कोई पूछता था तो यही बोलता था, तो सब लोग हंसते थे कि क्या बोल रहा है ये, जी क्योंकि हमारी सारी फैमिली बिजनेस में है ना, हाँ स्टील सिटी है हमारी। अच्छा, हाँ, तो तो ये एकदम अलग प्रोफेशन। हाँ अलग हो गया हमारे, मतलब फैमिली में भी इसके पापा या कोई भी नहीं चाहता था कि मतलब इस लाइन में आए, हाँ, पर मेरी पूरी सपोर्ट थी उसको। अभिषेक को शौक बहुत था, हाँ हीरो बनना है मेरे को, हीरो बनना है, कहता भी है बॉडी पे इतना काम करना, खाना नहीं खाना, खाना तौल के खाना है, कंडा रंगा हुआ है घर पे, 100 ग्राम ही खाना है, ये खाना है वो खाना भी एक टाइम ही खाता है बस। हाँ 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 क्योंकि मेहनत लगती है हाँ, वो बॉडी। खाना जिम में 3-3, 4-4 घंटे बिताना, बॉडी अच्छी बनाई थी पर अब डाउन हो गई है थोड़ी यहाँ पे, यहाँ पे खुद से खाना बड़ा मुश्किल है, अंदर बहुत मुश्किल है, 24 घंटे मतलब उन्हीं लोगों में रहना, सारे काम करना ना, अभी मेरे आंखों में आंसू आ गए, इतने सारे बर्तन थे सब अकेला धो रहा था वो। अच्छा हाँ, तो अब जिस बच्चे ने कभी कुछ काम नहीं किया हो, एक चाय तक नहीं बनाई हुआ ना, वो इतना अंदर सह रहा है, काम कर रहा है ना, और ऊपर से इतना। हाँ मैं बोल रही थी सबके लिए, बोल रही थी मैं क्या, कभी आप अकेले, मान लो मेड कभी बीमार हो जाती है, छुट्टी हो जाती है ना, तो आप कुछ बना के खा सकते हो, बिल्कुल आप बर्तन अपना धो सकते हो, है ना, तो ये एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है, तो अच्छा भी है। हाँ, मुझे ये भी जानना था, जैसे वो पूरा एपिसोड हुआ था 2 हफ्ते पहले जहाँ समर्थ और ईशा ने अभिषेक को इस हद तक पोक कर दिया था कि अभिषेक का हाथ उठ गया था और वो घर से बेघर हो गया था, उस दौरान जब आप टेलीविज़न पे ये देख रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपके दिल में क्या चल रहा था? वो पोक नहीं था, वो वुलिंग थी, वो वुलिंग थी, वो पोक या पोक टीशर्ट लग रहा, हाँ टिशू ठूस रहे हो बच्चे के मुंह में जी है ना, जी कंबल फेंक रहे हो, आपको पता है कि उसको फोबिया, उसका दम घुट जाता, कुछ हो जाता, आप जिम्मेवार हो उसके, है आप जिम्मेवार हो, क्या कर रहे हो आप, वो भी नेशनल टीवी में, पूरा मतलब भारत देख रहा है आपको, जी भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको, जी और आप कर क्या रहे हो ये। उस टाइम मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी, इतना मेरा अभी भी मतलब ये चीज़ बोलते हुए भी मेरे को मेरा बीपी हाई हो रहा है, उस चीज़ सोच के ही मेरे को मतलब डर लग रहा है कि मेरा बच्चा उस टाइम क्या फील कर रहा होगा, है ना, तो बहुत मुश्किल दौर था, मैं 3-4 दिन बेड पे थी, मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ जी हाँ, मुझे अपनी बेटी को उसके ससुराल से बुलाना पड़ा मेरे को संभालने के लिए। हाँ और फिर जब अभिषेक घर में उसने री एंट्री की और वीकेंड पे के बाद पे हमने देखा कि सलमान सर ने भी ईशा और समर्थ को समझाया कि आपने जो किया था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, 1 घंटे का एपिसोड था विच वॉज बेस्ड ऑन अभिषेक ईशा एंड समर्थ, तब जाके क्या आपको कहीं बहुत सैटिस्फैक्शन नहीं, मैं तो इतना कुछ, सारी बीमारी यूँ छूमंतर हो गई, किसी दवाई की जरूरत नहीं है अब मेरे को, हाँ तालियां सीटियां फुल, मैं कूद रही थी बेड पे खड़ी होके। हाँ अब अरे आप सलमान सर बोल रहे हैं कि आप हीरो, कितना अच्छा लगेगा एक माँ को, जी है ना, जी तो मतलब उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सर यूं गए और उन लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया। जी और अब आई एम श्योर अभिषेक आपको मिले हैं तो और ज्यादा एनर्जी आ गई। हाँ हाँ फुल एनर्जी, यू थिंक दैट अभिषेक हैज चांसेस टू विन द बिग बॉस? बिल्कुल जीत के आएगा, ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी। हाँ ऑसम, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आपको और अभिषेक को, और हम आपको बहुत ही जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।